संतोष जी, देखिए सुचारिका जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जो फैसला हमारी पार्टी ने लिया है वो फैसला हम लोग सोच समझ के लिए हैं और पार्टी के हित में लिए हैं, पार्टी को बचाने के लिए लिए हैं, पार्टी का अस्तित्व बना रहे, हमारे कार्यकर्ता जो हमारे गरीब लोग हैं जो हमको इस नज़र से देखते हैं उनकी जो आकांक्षा अपेक्षा है उस पर खड़े उतरने के लिए लिया है। हम लोग के ऊपर प्रयास किया जा रहा था बहुत दिनों से कि हम अपनी पार्टी का विलय कर लें और उसके अलावा कोई बातें नहीं हो रही थी, सिर्फ विलय की बातें हो रही थी। तो हम सब मंथन किए, बैठ के हम लोगों ने बातें की, अपने विधायकों से बातें की, अपने कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के तो विलय क्यों जा रहे थे नीतीश जी, क्यों जा रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय कर हमारा। देखिए ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, माननीय नेता हैं और क्यों इस तरह की बातें आई हम लोग के समक्ष, हम लोग के लिए भी आश्चर्यजनक बातें हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा, अविश्वास की भावना उनमें होगी कि हम लोग हो सकता है एनडीए में चले जाएं, एनडीए से बात कर रहे हैं। ऐसा है लेकिन क्या? ऐसी बात नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं। नहीं, हम लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं और नीतीश कुमार जी को हर स्तर पर हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने बोला, कसम भी खाई और आज भी हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह की जब बातें आई तो हम लोग के अस्तित्व की बात थी, तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया और आगे हम लोग संघर्ष करने का रास्ता अपनाए हैं। और लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से MLC भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे हैं, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं।